चलिए बेटा स्टूडेंट्स रेडी हो जाइए अब आप लोग देखिए। हाँ बिल्कुल, तो अपन लोग क्या करने वाले हैं आज डिस्कस, आज आइसोमेरिज्म का पार्ट टू एनालिसिस कराऊंगा मैं आपको। मैंने आपको बताया था कई सारे पार्ट्स में हम एनालिसिस करेंगे जिससे हम आसानी से अपने टॉपिकों को आप तक डिलीवर कर सकें, और जो एग्जैक्टली जेई मेंस या किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में आता है उसमें बिल्कुल हुबहू सेम ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, तो उसके लिए थोड़ा टाइम भी लगता है बेटा। सो समझदारी सभी बच्चों की बन रही होगी। तो अब हम आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। याद होगा हमने जिन बच्चों ने हमारा ये लेक्चर देख रहे हैं, जो स्टूडेंट जिन्होंने पहला नहीं देखा तो वो पहला देख लें, क्लियर। इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा बेटा आपको। और दूसरी बात ये है कि हमने कल क्या पढ़ा था, लास्ट टॉपिक पर क्या पढ़ा था, तो मैं आपको बताऊँ, हमने स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के बारे में पढ़ा था। आपको याद होगा कि ये स्ट्रक्चर मैंने बनाया था स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का और स्टीरियो आइसोमेरिज्म का, जिसमें हमने दो टॉपिक हमने पढ़ चुके हैं। समझदारी बन रही होगी सभी की। और अब बेटा हम यहाँ पर फंक्शन ग्रुप आइसोमेरिज्म और मेटामेरिज्म के बारे में आज पढ़ने जाएंगे, क्लियर है सभी को। तो आइए अपनी समझ को और बढ़िया बनाते हैं और स्टार्ट करते हैं क्या फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, क्लियर है सभी को। क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, क्लियर। नाम से क्लियर हो रहा है कि सर ये एक ऐसा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म होना चाहिए जिसमें कुछ फंक्शनल ग्रुप का रोल होगा। मैंने कि एग्जैक्टली सही है बेटा, यही बिल्कुल सही आंसर है। देखो ऐसे स्ट्रक्चरल आइसोमर्स जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, समझदारी बन रही है सभी को, लेकिन उनका जो फंक्शनल ग्रुप होता है यदि वो डिफरेंट हो जाए तो उन्हें हम कहते हैं फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स, और इस फिनोमेना को कहते हैं फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। तो सबसे पहले इसकी बेसिक लैंग्वेज लिख लेते हैं, सही है। दोज स्ट्रक्चरल आइसोमर्स विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप आर नोन एज फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। This phenomena is known as functional group isomerism. Clear है सभी को? ये तो हमारा हो गया बेसिक इसका इंफॉर्मेशन। अब आइए समझदारी बनाते हैं इस तरीके से कि फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म हमारे पास में क्या होगा, कैसे एग्जांपल्स इस पर बनेंगे। यहाँ पर बेटा एक इंपॉर्टेंट बात है कि कुछ ऐसे स्टैंडर्ड पेयर्स होते हैं, दो कंपाउंड्स अलग अलग होंगे जिनमें फंक्शनल ग्रुप हमारा अलग होगा। अब हमारे को ये बात याद रखनी है थोड़ी सी इसमें कि कौन कौन से हमारे ग्रुप ऐसे हैं जो फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म शो करते हैं आपस में, क्लियर। जैसे मान लीजिए कोई एक कंपाउंड है जो अपना एक पार्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप रख रहा है और एक दूसरा कंपाउंड है उसका भी कुछ फंक्शनल ग्रुप है, यदि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है फंक्शनल ग्रुप यदि डिफरेंट है तो डेफिनेटली वो फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म को रिप्रेजेंट करेंगे। समझदारी बन गई सभी की? तो देखिए एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल से बहुत सारी बातें क्लियर होंगी हमारी। एग्जाम्पल सबसे पहले चलिए ऐसा करते हैं इसमें ये लिख लेते हैं। नंबर वन देखिए, यदि मेरे पास में एल्कोहल है, क्या है बेटा एल्कोहल, एंड हमारे पास में होगा ईथर, हमारे पास में होगा ईथर, ये दोनों अलग अलग फंक्शनल ग्रुप होते हैं, अलग अलग फंक्शनल ग्रुप होते हैं, लेकिन ये दोनों क्या शो करेंगे, फंक्शनल ग्रुप अलग अलग होने के कारण फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म शो करेंगे। देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है, सी एन एच टू एन प्लस वन ओ एच,
और इसका फॉर्मूला क्या होता है, सी एन एच टू एन प्लस टू डॉट ओ। देखो यहां से एच यदि इधर ले लेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास में, टू एन प्लस वन में एक एच जुड़ जाएगा तो टू एन प्लस टू हो जाएगा यहां पर। तो इसका ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है, पहली बात। दूसरी बात बेटा क्या है, आपको क्या समझना है, आपको सबसे पहले इसका कोई एक बेसिक एग्जांपल लेना है। बेसिक एग्जांपल क्या होगा, कम से कम थ्री कार्बन तो लेंगे ही, टू कार्बन तो लेंगे ही लेंगे, सही है। तो देखो टू कार्बन, एन की वैल्यू क्या लगा देते हैं, एन की वैल्यू लगा देते हैं यहाँ पर टू, तो सी टू एच फाइव ओ एच हो जाएगा, सही है। यहाँ लगा देंगे सी टू एच सिक्स ओ, एक ही बात है, ये दोनों एक ही हैं, मॉलिकुलर फार्मूला सेम है हमारे पास में। अब देखो इसको यदि मैं ओपन करके लिखूंगा तो बेटा सी एस थ्री सी एस टू ओ एच होगा, यहाँ पर आपका क्या होगा सी एस थ्री बॉन्ड ओ बॉन्ड सी एस थ्री, कैसे है सर ये, बेटा ऑक्सीजन को हमने इधर ले लिया और सी एस टू को इसके संग ले लिया, यानी कि ग्रुप को हमने क्या कर दिया, हमने यहाँ पर ओ एच ग्रुप को कन्वर्ट कर दिया किसमें, ईथर में। तो इसका मतलब हो गया सर ये फंक्शनल ग्रुप क्या है यहाँ पर, डिफरेंट है। फंक्शनल ग्रुप क्या है यहाँ पर बेटा, डिफरेंट है, यहाँ ऑक्सीजन है ओ एच है और यहाँ पर क्या है हमारे पास में, यहाँ पर हमारे पास में ईथर हो जाएगा, क्लियर। तो इस तरीके से ये कौन से हो जाएंगे आपस में, यहाँ पर ये आपस में फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स होंगे, क्लियर है सभी को। एक दूसरा एग्जांपल और देखते हैं इसी के ऊपर बेस्ड, चलिए। तो सी एच सी थ्री एच एट ओ, तो यहाँ पर देखें हम बेटा सी एस थ्री सी एस टू सी एस टू ओ एच, सही है। तो ये हमारे पास में क्या हो गया, इथाइल प्रोपाइल अल्कोहल हो गया, और हमारे पास ये क्या हो जाएगा, नॉर्मल प्रोपाइल अल्कोहल, नॉर्मल प्रोपाइल अल्कोहल हो गया। और इसी के साथ यदि हम देखें तो सी एस थ्री बॉन्ड ओ बॉन्ड सी एस टू बॉन्ड सी एस थ्री हो गया, क्या हो गया, इथाइल मिथाइल ईथर हो गया ये, सही है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर भी हमारे पास में डिफरेंट ग्रुप्स आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, डिफरेंट ग्रुप्स आ रहे हैं, यहाँ ओ एच आ रहा है और यहाँ पर क्या आ रहा है, एल्कोक्सी आ रहा है। इसीलिए कैसे आइसोमर्स हैं ये, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स हैं, क्लियर। तो हमारे पास एक पेयर क्या हो गया, एल्कोहल एंड ईथर। सेकंड क्या है, सेकंड देखिए, अब आप यहां पर आएगा हमारे पास में थायो एल्कोहल एंड थायो ईथर। यदि थायो एल्कोहल और थायो ईथर यदि आपसे पूछा जाए तो कैसे बनाएंगे हम, देखिए अब थायो एल्कोहल और थायो, देखो अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, सर एल्कोहल और थायो एल्कोहल में क्या अंतर होता है, एल्कोहल और थायो एल्कोहल में क्या अंतर होता है, पहला। दूसरा सर ईथर और थायो ईथर में क्या अंतर होता है, तो बहुत बेसिक अंतर होता है, क्लियर। देखो यदि हम बात करें सिक्स ग्रुप के एलिमेंट्स, जिसे हम सिक्सटीन ग्रुप एलिमेंट कहते हैं, ऑक्सीजन सल्फर याद आ रहा है, यदि हम ओ ओ को कंसीडर करते हैं, सही है, फॉर्मूला मैंने बताया था आपको ये, यदि यहाँ पर ओ रखा हुआ है, सही है, तो हम कहते हैं क्या, एल्कोहल है। और यदि यहाँ पर ओ की जगह एस आ जाए दैट मीन्स सल्फर, क्लियर। तो यहाँ पर इसी का नाम आ जाएगा क्या, थायो एल्कोहल, समझ में आ रही है सभी को। तो यहाँ पर हम O को रिप्लेस कैसे करेंगे, S से रिप्लेस कर देंगे, क्लियर। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा हमारे पास में, CN CN H2N प्लस वन डॉट OH, और यहाँ पर क्या फॉर्मूला बन जाएगा, CN H2N प्लस टू डॉट S हो जाएगा, यहाँ S आएगा SH, यहाँ पर S, तो एक ही है ये, यहाँ पर H इधर आ जाएगा, ऐड कर देंगे तो सी एन एस टू एन प्लस टू एस हो जाएगा। अब एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल बनाते हैं इसके ऊपर बेस्ड, एक सी टू एच सिक्स एस, यदि इसको देखें तो क्या होगा, सी एस थ्री बॉन्ड सल्फर बॉन्ड सी एस थ्री, या पहले सिंपल ले लेते हैं एल्कोहल बना दो, एल्कोहल बना दिया, तो क्या नाम हो गया ये, इसका नाम हो गया इथाइल
थायो एल्कोहल, इथाइल तो है ही है, इथाइल एल्कोहल होता था यदि ओ एच होता है यहाँ, यदि ओ एच होता तो इथाइल एल्कोहल होता, यहाँ पर एस लग गया हमारा, क्या हो गया एस, तो नाम क्या हो गया ओ एच की जगह यहाँ हो गया, इस ग्रुप को कहते हैं थायो एल्कोहल ग्रुप, तो इथाइल थायो एल्कोहल हो गया नाम इसका। इसी तरीके से यहाँ पर अब एस को इधर ले जाओ बीच में, तो क्या हो जाएगा सी एस थ्री बॉन्ड एस बॉन्ड सी एस थ्री, नाम क्या हो जाएगा इथाइल थायो ईथर, वैसा होता हमारे पास में डाई इथाइल आ जाएगा, डाई इथाइल थायो ईथर, वैसे यदि ओ होता तो क्या होता डाई, एक मिनट डाई मिथाइल आएगा ना, डाइल मिथाइल, सॉरी समझ में आ गई सभी को, डाई मिथाइल थायो ईथर। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं इसी का, सी थ्री एच एट एस, तो क्या होगा सी एच थ्री बॉन्ड सी एच टू बॉन्ड सी एच टू एस एच, नाम क्या हो जाएगा नॉर्मल प्रोपाइल, नॉर्मल प्रोपाइल तो ये ग्रुप हो जाएगा हमारे पास नॉर्मल प्रोपाइल, और ये हो जाएगा थायो एल्कोहल हो जाएगा, सही है। और यदि हम देखें यहाँ पर अब एस को बीच में ले जाइए तो क्या हो जाएगा सी एस थ्री सी एच टू बॉन्ड एस बॉन्ड सी एस थ्री, नाम क्या हो जाएगा इथाइल मिथाइल, इथाइल मिथाइल थायो ईथर, सभी को क्लियर हो रहा है। तो इस तरीके से हमने क्या देखा, दो पार्ट देख लिए, फंक्शनल ग्रुप आई समझ में एल्कोहल एंड ईथर, दूसरा देखा हमने थायो एल्कोहल एंड थायो ईथर। अब देखते हैं बेटा तीसरा, तीसरा देखो इंपोर्टेंट अगला थर्ड की यदि हम बात करें यहां पर तो कीटोन कीटो, यदि हमारे पास में कीटोन होगा क्या होगा कीटोन, क्लियर, और दूसरा होगा हमारे पास एल्डिहाइड, क्या होगा एल्डिहाइड, और हमारे पास में होगा सैचुरेटेड सैचुरेटेड साइक्लिक एल्कोहल, और एक आएगा हमारे पास में सैचुरेटेड साइक्लिक ईथर, कभी किसी ने एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा पूछ लिया कि हमारे पास दे रखा है क्या कीटोन, और क्वेश्चन पूछ लिया कि कीटोन हमारा किस अन्य के साथ, किस अन्य के साथ फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म शो करेगा, तो कीटोन जो होगा वो एल्डिहाइड के संग फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म शो करता है, सैचुरेटेड साइक्लिक एल्कोहल के संग करता है, और कीटोन जो होता है वो सैचुरेटेड साइक्लिक ईथर के संग भी क्या करता है आइसोमेरिज्म फंक्शनल ग्रुप वाली रिप्रेजेंट करता है। आइए समझदारी बनाते हैं कैसे करता है, यदि हम देखें तो CH2, CS3, CS2, CHO, ये ले लिया हमने एग्जांपल, इसको यदि बंद करके लिखेंगे तो हो जाएगा C3H6O, हमने ले लिया प्रोपाइल एल्डिहाइड, दैट मींस प्रोपेनल, IUPAC बोल सकते हैं हम प्रोपेनल। अब बेटा यहां पर हमारे को क्या करना है, एल्डिहाइड होगा तो कीटोन मिलेगा हमारे को, कीटोन बना सकते हैं, यानी कि हम इसको CH3CO CH3, मतलब क्या है CHO ग्रुप जो है इसमें क्या होता है, देखो ध्यान से समझो COH होता है, ऐसे ही तो होता है, अब इस CO को क्या करो इधर ले जाओ और इस CH2 को क्या ले आओ इधर ले जाओ, तो बन जाएगा हमारा ये स्ट्रक्चर। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, बट हमारे पास क्या चीज डिफरेंट होगी बोलो, बट फंक्शनल ग्रुप हमारे पास में क्या होगा, फंक्शनल ग्रुप हमारे पास क्या होगा डिफरेंट होगा। तो इस तरीके से ये हो गया एसीटोन कॉमन नेम हो गया, या प्रोपेनॉन 2 कह सकते हैं IUPAC नेम, प्रोपेनॉन
अब यहाँ पर हम इसी को देखें, सैचुरेटेड साइक्लिक एल्कोहल कैसा बनेगा, सही है? तीन कार्बन है हमारे पास, थ्री कार्बन, वी हैव थ्री कार्बन, तो थ्री कार्बन ले लीजिए आप यहाँ पर, इसे साइक्लिक फॉर्म में लिख लीजिए, किस में लिख लीजिए, साइक्लिक फॉर्म में, सही है यहाँ पर। और हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ये साइक्लिक फॉर्म हो गई, और यहाँ पर क्या आ गया हमारे पास में, OH आ गया। तो देखो इसमें कितने कार्बन है, थ्री कार्बन, एंड वी हैव सिक्स हाइड्रोजन एंड वन ऑक्सीजन एटम, सो वी कैन से साइक्लिक एल्कोहल सैचुरेटेड है, इसमें डबल बॉन्ड नहीं है, सैचुरेटेड का मतलब सिंगल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, सही है। तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, ये साइक्लिक एल्कोहल बन जाएगा, सैचुरेटेड साइक्लिक एल्कोहल बन जाएगा। समझदारी बन रही है सभी की, सही है। देखो इधर हम साइक्लिक प्रोपेनॉल हो गया हमारे पास में, सही है। चलो अब देखो यहाँ पर हमारे पास में क्या आएगा, सैचुरेटेड साइक्लिक ईथर बन जाएगा। ये कैसे बनेगा, सैचुरेटेड साइक्लिक ईथर कैसे बनेगा, तो ईथर हमारे पास में ऑक्सीजन जो होगा वो रिंग में मिल जाएगा हमारे को, देखो कैसे। ये ईथर, ईथर अब देखो ओपन यदि हम करते तो ऐसा कर सकते थे ना, ओपन यानी कि CH3 CH3 O, तो ये ईथर फॉर्म हो जाएगी, लेकिन साइक्लिक फॉर्म में हमारे को कुछ ईथर ऐसा देखने को मिलता है, इसे कहते हैं अपन लोग साइक्लिक ईथर। प्योर जेई मेंस में इसी टाइप से पूछ लेता है, क्लियर, कि ये अब मान लीजिए क्वेश्चन दे देगा आपको कि प्रोपेनल किसके संग फंक्शन ग्रुप आइसोमेरिज्म शो कर रहा है, तो आपने कहा सर अब ऑप्शन पहला दूसरा तीसरा और फोर्थ हो जाता ऑल, तो हमारा आंसर ऑल हो जाएगा, क्लियर। समझदारी बनानी है हमारे को कि किस तरीके से ऑपरेशन हमारे को अप्लाई करना है, सही है। तो ये हमारे पास में सैचुरेटेड साइक्लिक ईथर हो जाएगा। इसके बाद में यहीं पर हमारे पास में एक और आ जाता है अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड एल्कोहल यदि पूछ लिया जाए, तो ये भी इसी के संग हमारा क्या करेगा, आइसोमेरिज्म फंक्शन ग्रुप की शो करेगा। देखो अनसैचुरेटेड होना चाहिए एल्कोहल, तो देखो कैसा हो जाएगा हमारे पास, CH टू डबल बॉन्ड CH बॉन्ड ऑफ CH2 बॉन्ड OH, तो दिस एल्कोहल कितने कार्बन, तीन कार्बन हो गए, और हाइड्रोजन कितने हो गए, सिक्स हाइड्रोजन हो गए, ऑक्सीजन कितने हो गए, वन हो गए, यानी कि स्ट्रक्चर हमारा डिफरेंट है, बट हमारा जो ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन और कार्बन यानी कि मॉलिकुलर फॉर्मूला है वो सेम आ रहा है, सबका मॉलिकुलर फॉर्मूला सेम है बट स्ट्रक्चर सबके डिफरेंट है, इसका नाम क्या हो जाएगा, दिस ग्रुप इज नोन एज अलाइल ग्रुप, सो वी आर कॉलिंग एज अ अलाइल एल्कोहल, क्या करेंगे अलाइल एल्कोहल, दैट इज अ साइक्लिक ईथर, दैट इज अ सैचुरेटेड साइक्लिक एल्कोहल हो जाएगा, दैट इज अ एसीटोन, एसीटोन कीटोन हो गया, ये एल्डिहाइड हो गया, तो ये सारे के सारी कंडीशंस इसमें बनती हैं। समझदारी सभी की बन गई होगी। अब हम अगले कॉन्सेप्ट पर चलते हैं, फोर्थ क्या है, ये सब पेयर्स हैं, पेयर्स आपको थोड़ा सा जहन में रखना पड़ता है कि कौन कौन सी कंडीशंस बन रही हैं। दूसरा होगा हमारे पास में कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड कॉमा एस्टर, क्या होगा एस्टर, सही है। अब देखो ध्यान से, हमने ले लिया इसका एस्टर बनाना है अपन लोगों को, सही है। तो फॉर्मूला में याद ही है इसका, फर्स्ट वीडियो में मैंने पूरा एनालिसिस किया था, ये हो जाएगा C3H6O2। अब इसका यदि हम स्ट्रक्चर के एनालिसिस करें तो CH3 CH2 COOH, प्रोपेनोइक एसिड हो जाएगा, प्रोपेनोइक एसिड हो जाएगा ये हमारे पास। दूसरा हम यदि बात करें सी इसी का CH3 COO, अब क्या करना है, देखो ध्यान से समझो, अब इस ग्रुप को है ना, ये वाला ग्रुप जो है इसको इधर ले जाओ, वही काम करना है, इसे इधर ले जाओ बस, सही है। तो अपने आप ही ऑटोमेटिक ग्रुप आ जाएगा, COO ग्रुप को बीच में CH2 को इधर ले जाएंगे, तो COO आ जाएगा और ये हो जाएगा CH3, क्या नाम हो जाएगा हमारे पास में, इसका नाम हो जाएगा मिथाइल एसीटेट, मिथाइल एसीटेट हो जाएगा, ये हो गया, ये नाम हो गया प्रोपेनोइक एसिड। सभी की समझदारी बन रही होगी अच्छी तरीके से। अब यहां पर हमारे पास में अब देखो एक हमारे पास इसमें और मिल जाती है चीज, कंडीशन क्या मिलती है, एल्कोहल भी होगा,
कंपाउंड में एल्कोहल भी हो सकता है प्लस एल्डिहाइड भी हो सकता है, ये भी एक कंडीशन इसकी बनती है, सही है। एल्कोहल और एल्डिहाइड दोनों यदि प्रेजेंट हो जाएंगे तो देखो कैसे बनेगा, हमारे को क्या करना है यहाँ पर, एल्कोहल भी बनेगा एल्डिहाइड दोनों पेयर एक संग रहते हैं इसमें, सही है। देखो इधर CH2 CH2 CHO, सही है, और यहाँ पर हमने लगा दिया OH, तो क्या हो गया हमारे पास में बीटा हाइड्रोक्सी प्रोपेनल्डिहाइड हो जाएगा, सही है। IUPAC बना सकते हो, कोई इशू नहीं है इसमें, सही है। वो तो मैं बस कॉन्सेप्चुअल बता देता हूँ आपको, सही है। तो देखो यहाँ पर भी कितने हैं, कार्बन कितने हैं 3, हाइड्रोजन कितने हैं, हाइड्रोजन चेंज हो गया क्या, एक मिनट, हाइड्रोजन कितने हैं, हाँ हाइड्रोजन सही है, हाइड्रोजन भी 6 हैं और ऑक्सीजन भी कितने हैं 2। तो इस तरीके से हमारे पास में ये हो गया, और कंडीशन इसकी और पॉसिबल बहुत सारी कंडीशन है बट दैट इज नॉट रिक्वायर्ड, वो JEE एडवांस का हो जाएगा हमारे पास में, सही है, समझ में आ गई सभी को। तो ये सारी पॉसिबल हमारे पास में कंडीशंस बन सकती हैं, और भी कंडीशंस हैं इसकी प्यारे बच्चों, समझदारी बन रही है सभी की, और भी कंडीशंस हैं बहुत सारी, सही है। चलिए तो यहाँ तक की बात हो गई हमारी आपसे, अब देखिए अगला अगला क्या आएगा हमारे पास, फिफ्थ, फिफ्थ आएगा हमारे पास अमाइड। यदि अमाइड आ जाए हमारे पास में, क्या आ जाए, अमाइड, और हमारे पास दूसरा आ जाएगा ऑक्सीम, क्या आ जाएगा, ऑक्सीम। मैं समझाऊंगा आपको अमाइड ग्रुप क्या होगा और ऑक्सीम ग्रुप हमारा क्या होगा, है पेशेंस, पेशेंस रखो। यदि हमारे पास में CONH2 ग्रुप आ जाए, CONH2, तो दैट इज टू बी कॉल्ड एज अमाइड ग्रुप। यदि हमारे पास में ये कंडीशन आ जाए, सही है, तो दैट इज टू बी कॉल्ड एज ऑक्सीम ग्रुप हो जाएगा, समझदारी बन रही है सभी की। तो कुछ इस तरीके से ऑक्सीम होगा, इस तरीके से अमाइड ग्रुप होगा, एग्जाम्पल लेते हैं तब बात हमारी बनेगी आगे, सही है। देखो CH3 CH2 CO NH2, सही है, ये हो गया। अब देखो अब यहां पर हम देखें तो हमारे पास क्या होने वाला है, अब इसी के संग हम दूसरा इसका बना सकते हैं, दूसरा क्या बनाएंगे, CH3 CH2, इसका नाम हो जाएगा प्रोपेनामाइड, प्रोपेनामाइड, सही है। अब अगला देखते हैं CH3 CH2, यहां पर क्या करना है, O इधर आ जाएगा और H हमारे पास में कहां, दोनों के दोनों एक H इधर चला जाएगा, ऐसा आप समझ सकते हैं, सही है। तो यहां आ जाएगा CH2, क्या आ जाएगा, CH2 हो जाएगा और क्या बन जाएगा, NOH, तो यहां CH आ जाएगा, डबल बॉन्ड NOH हो जाएगा। तो देखो इन दोनों में देखो कार्बन कितने हैं, 3 कार्बन, हाइड्रोजन कितने हैं हमारे पास में, हाइड्रोजन हो गए हमारे पास 7 हाइड्रोजन हो गए, सही है। और यहाँ पर हमारे पास में नाइट्रोजन कितना है 1, ऑक्सीजन कितना है 1, यहाँ भी सेम है, कार्बन 3, हाइड्रोजन 7, ऑक्सीजन 1, नाइट्रोजन 1। तो इसका मतलब हो गया कि ये स्ट्रक्चर हमारे पास में बन रहा है किसका, कितना हो गया, C3 हाइड्रोजन 7 नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, सही है। तो कुछ इस तरीके से अमाइड की एनालिसिस हमारे पास में हो जाती है, क्लियर। दैट इज द ऑक्सीम ग्रुप, दिस इज द ऑक्सीम ग्रुप, ओके। अब देखिए अगला अगला क्या आएगा हमारे पास में, यदि आपसे कोई पूछ ले अगला देखते हैं, नंबरिंग क्या थी हमारी, 5 के बाद में आएगा 6 बेटा, 6 में आएगा हमारे पास में 1°, 2°, 3° अमीन आ जाएगा। तो 1°, 2°, 3° अमीन हमारे पास में यदि बन रहा है तो वो फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म शो करेगा। एक एग्जांपल ले लो आप तो चीजें क्लियर हो जाएंगी। C3 H9N
देखो इसमें यदि हम देखें तो सी एस थ्री सी एस टू एन एस टू दैट इज वन डिग्री अमीन। एन एस टू ग्रुप यदि आ जाएगा तो वन डिग्री अमीन होगा। मैंने वैसे आपको आईयूपीएसी में सब कुछ सिखा दिया है, याद होगा, ये टू डिग्री अमीन होगा और ये थ्री डिग्री अमीन होगा हमारे पास, सही है। तो ये हो गया वन डिग्री अमीन। फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट यदि हो रहे हैं तो बस आंसर आप आसानी से पता कर पाएंगे, सी एस थ्री बॉन्ड सी एस टू बॉन्ड एन एच बॉन्ड सी एस थ्री। वही काम करना है, क्या, एन एच को बीच में ले जाओ, एन एच को बीच में ले जाओ और एच को एक एच इधर ले जाओ और इसको इधर ले जाओ, ये इधर आ जाएगा और एन एच इसके अंदर चला जाएगा। कुछ इस तरीके से बना पाएंगे आप लोग सभी, सही है। ये हो जाएगा टू डिग्री अमीन बेटा, क्लियर है सभी को। अगला आएगा बेटा हमारा सी एस थ्री सी एच नाइट्रोजन सी एस थ्री सी एस थ्री। नाम क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा थ्री डिग्री अमीन। मैं इसके आईयूपीएसी वगैरह नहीं लिख रहा हूँ, अभी नीड नहीं है हमको, सही है। तो इस तरीके से हमारे पास में ये भी पॉसिबल हमारे पास में क्या हो जाएगी, कंडीशन हो जाएगी, सही है। चलिए तो इसके बाद में आएगा अगला, अगला सेवेंथ कंडीशन क्या बनती है इसमें, सेवेंथ कंडीशन, सेवेंथ कंडीशन देखो, यदि हमसे कोई कह दे साइनाइड, क्या पूछ बोल दे, साइनाइड बोल दे हमसे, सही है, साइनाइड आइसोसाइनाइड, सही है, यदि ये बोल दे हमसे तो हमारे पास क्या होगा, सही है। ये भी दोनों पेयर हैं, एक संग रहते हैं हमेशा, सही है। साइनाइड क्या होता है हमारे पास, साइनाइड होता है सी एन ग्रुप और यहाँ पर आइसोसाइनाइड होता है एन सी ग्रुप। तो आपने कहा सर यहाँ पर डिफरेंस क्या है, देखो यहाँ पर सी एन जो होगा कार्बन से बॉन्ड जुड़ रहा है ये, सही है, फ्री वैलेंसी कार्बन से है और यहाँ पर आइसोसाइनाइड में हमारे पास में फ्री वैलेंसी नाइट्रोजन से। तो दोनों डिफरेंट ग्रुप हैं और जब दो डिफरेंट ग्रुप कनेक्ट होंगे तो हमारे पास में जो आइसोमेरिज्म होगी वो फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म का एग्जाम्पल बन जाएगा। क्या नाम हो जाएगा, देखो इसे सी एस थ्री सी एन, सही है, मिथाइल साइनाइड हो जाएगा, मिथाइल इसे साइनाइड बोलते हैं, मिथाइल कॉमन नेम है ये, मिथाइल साइनाइड। और ये हो जाएगा हमारे पास में सी एस थ्री एन सी, सही है, इसका नाम है मिथाइल, मिथाइल आइसो साइनाइड, सही है, मिथाइल आइसो साइनाइड, ये हो गया, सही है। अब इसको ऐसे ओपन करके देख लो, काफी काम में आता ही है, जब केमिकल रिएक्शन करेंगे ना तो काफी काम में आएगा ये, सही है, अमीन वाले चैप्टर में भी काफी काम का ये है, कुछ इस तरीके से ये अपना बिहेवियर दिखाता है, क्लियर, सही है, बड़े आगे। अगला आता है हमारे पास एट, एट आएगा हमारे पास नाइट्रो, नाइट्रो एल्केन, नाइट्रो एल्केन, नाइट्रो बस केवल शॉर्ट में नाइट्रो एंड नाइट्राइट यदि मिल जाए आपको, बड़ा टेक्निकल है ये, बच्चों को पता भी नहीं होता है कि ये सर ऐसा भी पॉसिबल है, जब एग्जाम में आती है ना चीज़ें तो बेचारे परेशान होते हैं कि सर ऐसा भी होता था। देखो इधर नाइट्रो और नाइट्राइट, नाइट्रो ग्रुप क्या होता है, नाइट्रो ग्रुप, दिस ग्रुप इज नोन एज नाइट्रो, इसे नाइट्रो ग्रुप कहते हैं, समझदारी बन रही है सभी की। और बेटा हमारे पास यदि ये आ जाए हमारे पास ओ एंड डबल बॉन्ड ओ, इसे नाइट्राइट कहते हैं, आईयूपीएसी में इसको हम प्रिफिक्स के रूप में यूज करते हैं, सही है, इसे प्रिफिक्स के यूज में, अकेला होगा तो इसे प्रिफिक्स के रूप में यूज करेंगे क्योंकि इसकी प्रायरिटी जो होती है एल्काइल से पीछे होती है, ये इंफॉर्मेशन थी इसकी। और ये हमारे पास में अकेला यदि होगा तो ये अलोन, यदि अकेला है तो ये सेकेंडरी सफिक्स के रूप में यूज कर लेते हैं, मैं इसके आईयूपीएसी भी लिखूंगा इधर ही, सही है। तो देखो एग्जाम्पल देखो इसका सी एस थ्री
ये सब काम में आएंगे आपके आगे, हायर जब आप क्लास 12th में आएंगे ना, और या फिर आप किसी कंपटीशन को दे रहे होंगे, क्योंकि क्लासेस तो सबके लिए सेम है, सिलेबस सेब का सेम है, चाहे आप एकेडमिक पढ़ रहे हो कॉम्पिटेटिव, बस ये कॉम्पिटेटिव में थोड़ा एनालिसिस होता है और बेसिक होता है, लेकिन उसमें भी समझदारी बन रही है सभी की। तो यदि हम क्लास 12th में अमीन वाला जो चैप्टर होता था ना हमारा, उसको यदि हम देखें तो उसमें बहुत ज़्यादा ये कारगर सिद्ध होने वाले हैं ये स्ट्रक्चर, क्योंकि एनालिसिस स्ट्रक्चर ओपन करने पर ही हो पाएगी वहाँ। और यहाँ पर देखो, अब हमने दूसरा बना लिया CH3O N, तो देखो यहाँ पर कार्बन कितना है, एक, हाइड्रोजन कितना है, तीन, नाइट्रोजन कितने हैं, एक, ऑक्सीजन कितने हैं, दो, सही है। यहाँ भी वही है कंडीशन, लेकिन इसका नाम अलग है। इसका नाम क्या है हमारे पास में, ये प्रीफिक्स होगा, ये वाला पूरा का पूरा सेक्शन जो होगा बेटा हमारे पास, कौन सा, दिस सेक्शन, क्लियर, दैट इज टू बी नोन एज ये मेरे पास में जो होगा नाइट्रो ग्रुप है, तो इसका नाम हो जाएगा नाइट्रो, प्रीफिक्स हो जाएगा नाइट्रो। और ये क्या है हमारे पास में, एक कार्बन के लिए मीथ, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, तो मीथेन हो जाएगा, नाइट्रो मीथेन है ये नाम। इसका नाम क्या होगा, इसका नाम क्या होगा, अब देखो ये क्या होगा हमारे पास में, CH3 सिंगल बॉन्ड, सही है, मीथेन नाइट्राइट लिख सकते हैं आप लोग, सही है, मीथेन नाइट्राइट, ओके। चलो अब देखो ध्यान से, मिथाइल नाइट्राइट भी बोल देते हैं कॉमन नेम इसका, सही है, नाइट्राइट ग्रुप है ना हमारे पास में, क्लियर। इसीलिए अब बात आती है अगले कॉन्सेप्ट की, समझदारी बनाइए, देख लो इसमें कितने सारे हो गए, कितने सारे पेयर बनते जा रहे हैं, सही है। अब 9 है हमारे पास, एक और रह गया इसका, डाई इन या एल्केन, एल्केन डाई इन, ये कंडीशन हो, एल्केन, एल्केन में डाई इन लगेगा, एल्केन में डाई इन लगे, समझदारी बन रही है। या हमारे पास में एल्काइन हो, या एल्काइन हो, तो इस कंडीशंस में हमारे पास में ये जो बनेगा हमारे पास में, ये भी फंक्शन ग्रुप आइसोमेरिज्म का पार्टिसिपेट करता है, क्लियर, समझदारी बन रही है सभी को। फंक्शन ग्रुप हमारे पास में क्या हो जाते हैं, डिफरेंट हो जाते हैं इस केस में भी, सही है। देखिए एग्जाम्पल देखते हैं इसका, जैसे C4H8 देखते हैं, सही है, C4H8 में क्या होगा, कार्बन CH2 बॉन्ड C डबल बॉन्ड, यहाँ H लगा देंगे, या अच्छा सॉरी इसको इससे लिखना है, CH डबल बॉन्ड, C डबल बॉन्ड ऑफ, यहाँ H लगा दो, यहाँ CH2 लगा दो, यहाँ पर H आएगा, सही है, 1 2 3 4 यहाँ गया, यहाँ गया, सही है। तो हमारे पास क्या बन रहा है, अच्छा C4H8 नहीं, C4H6 ले लीजिए, C4H6, सही है, क्योंकि एल्काइन का फॉर्मूला होगा CnH2n-2, सही है, ये हो जाएगा। अब यहीं पर हम यदि बनाएं तो CH3 बॉन्ड, तो यहाँ पर क्या है, ये डाई इन है, ये डाई इन हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा बेटा, ये क्या हो जाएगा, आयन हो जाएगा, एल्काइन का पार्ट है ये डाई इन आ जाएगा, क्लियर, ब्यूट 1,3 डाई इन हो जाएगा, ब्यूट 1,3 डाई इन हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ब्यूटाइन 2 हो जाएगा, समझदारी बन रही है सभी की, सही है। तो इस तरीके से हमारे पास में क्या हो गया ये, तो अब एक बार रिव्यू कर लेते हैं कि हमने क्या क्या देखा, सही है, तो इससे एनालिसिस हो जाएगी आसानी से हमारे पास। देखो इधर हमारे पास जो फंक्शन ग्रुप आइसोमेरिज्म क्या था, फंक्शन ग्रुप आइसोमेरिज्म में हमारे पास में स्ट्रक्चर क्या था, हमारे पास डिफरेंट था, समझदारी बन रही है, मॉलिकुलर फार्मूला सेम, फंक्शन ग्रुप डिफरेंट, फंक्शन ग्रुप जिसका डिफरेंट होता है मॉलिकुलर फार्मूला सेम रखते हैं, तो क्या हो जाएगा हमारे पास में, अब कौन कौन सी कंडीशन है, एल्कोहल एंड ईथर, एल्कोहल ईथर आपस में क्या दिखाते हैं, फंक्शन ग्रुप आइसोमेरिज्म रिप्रेजेंट करते हैं,
दूसरा थायो एल्कोहल एंड थायो ईथर भी आपस में फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म रिप्रेजेंट करते हैं। ये पेयर्स पूछे जाते हैं सीधे, कीटोन एल्डिहाइड सैचुरेटेड, क्लियर। आपको यदि ये लास्ट वाले याद ना हो, दो तो कम से कम याद रख सकते हो, कीटोन और एल्डिहाइड, सही है, ये दोनों कम से कम आपको याद होने चाहिए। तो ये सब कंडीशंस हैं। फोर्थ क्या है हमारे पास, कार्बोक्लिक एसिड एस्टर एल्कोहल एंड एल्डिहाइड, सही है। आपको यदि लास्ट वाला ना याद हो पाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ये दोनों याद होने चाहिए। क्यों? क्योंकि इनके फॉर्मूले सेम है बेटा। इनके यदि हमारे पास फॉर्मूले डिफरेंट होते, क्योंकि इनका मॉलिकुलर फॉर्मूला सेम है, मॉलिकुलर फॉर्मूला जिनका सेम होगा ना, वो आपस में जो फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, तो पूरी प्रोबेबिलिटी है कि वो रिप्रेजेंट करेंगे ही। अगला क्या है, एमाइड एंड ऑक्सीम कंडीशन है, सही है। अगला क्या है, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमीन है। अगला क्या है, साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड कंडीशंस हैं। अगला क्या है, नाइट्रो एंड नाइट्राइट कंडीशन है। और अगला क्या है, एल्केन एल्केन डाइईन एंड एल्काइन है। समझदारी बन गई? तो अब आप लोगों को इतना तो समझ में आ गया होगा कि हमारे को किस तरीके से एनालिसिस करनी है, कितना फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म हमने पढ़ा था और कितना अब हम यहाँ पर सीख चुके हैं। समझदारी बन रही है सभी की? अब बात आती है मेटामेरिज्म की। मेटामेरिज्म नेक्स्ट अगला पार्ट में बनाऊंगा मैं आपको। और बेटा यदि आप लोग इस चैनल पर नए हैं, सही है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर कर दीजिएगा, जिससे हर स्टूडेंट तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए कि केमिस्ट्री बहुत सिंपल है। ज़्यादा टेक्निकल हम बोलते हैं कि रटना है अपन लोगों को, ऐसा करना है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्लियर। और अगली बात क्या है बेटा, एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और है, यदि आप नए हैं तो पुरानी वीडियो यदि देख चुके होंगे तो आपको पता चल गई होगी कि एडमिशन जो है बेटा वो ओपन है, सही है। कटारा एकेडमी में एडमिशन ओपन है, रजिस्ट्रेशन ओपन है। यदि आप लोग एडमिशन लेने के इच्छुक हैं, यदि आपको लगता है कि हमारा फ्यूचर इस एकेडमी में रहकर बहुत अच्छा बन सकता है, हम एक टेक्निकल टीम से पढ़ सकते हैं जो कि नेशनल लेवल पर वर्क कर रही है, क्लियर, सभी को समझ में आ रही है, तो हम जुड़ सकते हैं। समझदारी बन रही है? जिसमें नीट में और जेई मेंस दोनों के बैचेस, हमारे फाउंडेशन बैचेस भी रन कर रहे हैं इस समय, रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं, आप लोग रजिस्टर कर सकते हो। और सेकंड कंडीशन बेटा क्या है, इन्फॉर्मेशन को सेंड भी कर सकते हो, क्लियर। और सेकंड हमारे पास में नीट का, सही है, नीट का ड्रॉपर बैच भी हमारे पास में जो 12th के बाद होता है वो भी चल रहा है, तो उसको में भी आप एनरोल्ड हो सकते हो। और उसके बाद में यदि आपको जेई मेंस की प्रैक्टिस करनी है, जेई मेंस के 50 क्वेश्चन जो अप्रैल में आने वाला एग्जाम है, यदि आपको 50 अनऑथेंटिकेटेड जितने भी क्वेश्चंस होते हैं उसका कंटेंट है जो कि जेई मेंस का है, दैट इज अ वेरी वेरी स्मॉल अमाउंट, क्लियर, सो यू कैन इम्प्रूव ऑफ योर स्कोर, क्लियर। इधर उधर के क्वेश्चनों में फंस कर क्या करते हैं बच्चे, एक चैप्टर पर 30-40-100 क्वेश्चन लगाए, 150 क्वेश्चन लगाए, पता चला कि वो सारे क्वेश्चन जो थे वो इतने ज़्यादा ऑथेंटिकेट थे ही नहीं, वो रैंडमली किसी बुक से उन्होंने उठा लिए और रख दिए। यहाँ कंप्लीटली स्पेशलाइज फैकल्टी, जो भी स्टैंडर्ड टॉपिक्स आते हैं जो कि रिपीटेड हैं 5 to 10 ईयर्स में कंटिन्यूसली आ रहे हैं, उन सबका कंप्लीट कलेक्शन है, जिससे कि आप अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हो, इसको इम्प्रूव कर सकते हो, ठीक ऐसे ही क्वेश्चनों को एग्जाम में देखकर अपना बेहतर भविष्य बना सकते हो। तो फिर आपसे मिलते हैं, थैंक यू ऑल ऑफ यू, जय हिंद, जय श्री राम बेटा।